फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। इसमें खास बात ये है कि ना ही इसमें घी का यूज होगा, ना ही चीनी का और ना ही मावा का। ज्यादातर लोग ऑयली फूड पसंद नहीं करते हैं और रिफाइंड शुगर, ये तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि गाजर के हलवे को एक नए तरीके से बनाया जाए जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। गाजर का हलवा तो हर घरों में बनता है, पर सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। यदि गाजर का हलवा बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये गाजर का टेस्टी और हेल्दी हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो गाजर ले लिए, इसे अच्छे से वाश कर लिया है और पोंछ लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि इसके जो पीछे का जो पार्ट्स होता है इसे हमें निकाल देना होगा, और आगे का भी थोड़ा निकाल देंगे। फिर हमें इसे पील करना होगा। तो आप इसे पीलर हो आपके पास हो या नहीं है तो आप नाइफ की सहायता से भी इसे अच्छे से छील सकते हैं, तो ऊपर जो रेशे वगैरह लगे रहते हैं ना वो निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे गाजर को पहले हमें अच्छे से छील लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके गाजर के हलवे में जिसमें ऊपर रेशा लग रहा था वो आ जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सारे गाजर को पहले हमें छील लेना है। उसके बाद से हम कद्दूकस करेंगे। इसके लिए ये कद्दूकस मैंने लिया, इसका जो मीडियम वाला होल होता है उससे मैं गाजर को कद्दूकस कर लूंगी। यदि आप चाहिए तो जो एकदम बारीक वाला होता है उससे भी आप कर सकते हैं। और अच्छे से सारे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। इसे करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। यदि आप चाहिए तो जो फूड प्रोसेसर होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, पर उसके होल जो होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं हाथ से जो कद्दूकस करते हैं ना इसी से मैं करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी कितने अच्छे से ये एक गाजर को मैंने कद्दूकस कर दिया। बस इसी तरीके से सारे गाजर को कद्दूकस कर। अब सारे गाजर को मैंने घिस लिया है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, इसमें हम गाजर को डाल देंगे जो कि हमने कद्दूकस करके रखी है। इस स्टेज पे आप चाहिए तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं यदि आप घी डाल के बना रहे हैं तो, लेकिन आज तो मैं बिना घी के बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई भी घी नहीं डालूंगी। और इसे अच्छे से थोड़ी देर तक हम भून लेंगे जिससे कि इसका पानी जो है वो थोड़ा सूख जाए। इस समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना होगा और कंटिन्यूसली इसे हम चला लेंगे। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे तो ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा, इसमें जो पानी है गाजर का वो सूखने लगेगा। अब थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे दूध। तो ये दूध गर्म किया हुआ है, गर्म करने के बाद ये रूम टेम्परेचर का दूध है, इसको हम डाल देंगे। हमने 1 गिलास डाला, अभी थोड़ा इसमें और डालेंगे तो लगभग 1 से 1.5 गिलास आप दूध इसमें डाल सकते हैं, और बिल्कुल ही परफेक्ट है ये। तो अभी थोड़ा दूध में इसमें और डाल देती हूँ। अब इसमें 1/2 गिलास दूध में और डाल दे रही हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना है, और बीच बीच में इसमें चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए और इसे चलाते हुए पका लीजिए अच्छे से। अब इसे 15 मिनट तक मैंने पका लिया है, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है इसमें। इसी स्टेज पे हम इसमें 4 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर। हम मावा नहीं डाल रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये मिल्क पाउडर डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मीठा, हमें डालना है क्योंकि हम चीनी नहीं डाल रहे हैं। इसे मीठा करने के लिए ये जो गुड़ आता है ना, एकदम सॉफ्ट वाला गुड़ है, ये मैंने छोटी छोटी जो बाटी आती है ना उसे 4 बाटी लिया है, और मैश कर देंगे इसमें अच्छे से। ये बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमें एक स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। और इस समय इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो, तो मेरे पास काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और जो खरबूजे की बीज होती है ना वो भी मेरे पास है, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और इसके जो दूध है
या जो गुड़ मैंने डाला है वो भी पानी छोड़ेगा, तो अच्छे से वो सूख जाए तब तक इसे हमें भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए थोड़े से केसर के धागे मैंने दूध में भिंगा के रख दिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है और इसका टेस्ट भी और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। मीठा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने छोटी वाली जो गुड़ की चार बाटिया थी वो डाला है। यदि आपको कम मीठा पसंद हो आप थोड़ा कम कर दीजिए, यदि आपको और ज्यादा मीठा खाना हो तो थोड़ा और डाल दीजिए। तो मीठे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें डालिए, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब लगभग 10 मिनट बाद ये गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पे यदि आप घी वाला हलवा बना रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल भी इसमें घी का यूज नहीं किया है, मैं कोई भी घी इसमें नहीं डालूंगी। और 1 चम्मच डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल भी तैयार है सर्व करने के लिए, तो चलिए इस गर्मा गर्म गाजर के हलवे को सर्व करते हैं। हलवा का नाम सुनते ही मन में ऐसा विचार आता है ये तो बहुत ही ज्यादा ऑयली होगा, चीनी होगा इसमें, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा खाने से, तो हम खाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इस तरीके से हेल्दी हलवा भी हम बना सकते हैं। अब बेफिक्र होकर जी भर के जितना भी चाहिए आप इसे खा सकते हैं, कोई भी हमें नुकसान नहीं करेगा, ना हमारा वेट बढ़ेगा, क्योंकि ना ही इसमें रिफाइंड शुगर है और ना ही इसमें कोई घी है। इतना टेस्टी और हेल्दी हलवा आज से पहले आपने खाया नहीं होगा, यदि खाया है तो जरूर बताइएगा। यदि इस तरीके की हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।